ओके सो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी एंड ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे अपना बैग्स वगैरह मैंने रखा था जब तक मुझे मिल नहीं गया था अपना डॉर्म। एंड दिस इज द डॉर्म दैट आई एम स्टेइंग इन। सो आई विल फर्स्ट शो यू गाइस, यहाँ पे ऐसे डॉर्म बने हुए हैं। दिस वन इज फीमेल डॉर्म। आई विल शो इट टू यू। मेरी चप्पल एंड ये है someone's phone is ringing। ऐसे आपको यहाँ पे लॉकर दिया हुआ है एंड जैसे कि इसमें मैंने अपना सामान रखा है। सो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साथ में चाबी है, तो मैं चाहूँ तो ताला मार के मैं साथ में चाबी लेके जा सकती हूँ। एंड दिस इज़ मी, हाई। तो अभी आगे जाते हैं। दरवाज़ा हमेशा अच्छे से बंद करना है बाहर निकलते हुए एंड आपको सामने ये कैफ़े मिल जाता है। वैसे इस कैफ़े में जो प्राइजेज है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको खेलने के लिए टेबल टेनिस भी आराम से मिल जाएगा जो कि कैफ़े के बिल्कुल सामने ही है। आप थोड़ा सा और आगे चल के जाओगे तो बिल्कुल सामने है स्विमिंग पूल जो कि इस हॉस्टल का हाईलाइट है। एंड स्विमिंग पूल के ऊपर ही ना इनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये जो डीजे का एक हब बना हुआ है ना, ये मेरे ख्याल है कि बस सैटरडे को ही ये लोग एक्टिव करते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हो मेल डॉर्मेट्री है। सो अगर सिर्फ लड़के आके यहाँ पे रहना चाहते हैं तो मेल डॉर्म भी चूज कर सकते हैं। आई गेस यहाँ पे लोगों को वैसे तो बेड की फ़ोटो निकालना होता है बट फिलहाल कपड़े सूख रहे, नॉट बैड। वैसे ये हॉस्टल मैंने booking.com से लिया था जहाँ पे मैंने कुछ 450 rupees प्लस टैक्सेस पे किए थे, यानी टोटल मैंने 540 rupees पे किया था पर नाइट का। आई थिंक अगर आप पीक सीजन में जाओगे तो आपको सेम हॉस्टल का 600 या 700 रुपये तक देना पड़ सकता है। ऑलवेज चेक ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे आपको एक अच्छा डील मिल सके, बट दिस हॉस्टल इज डेफिनेटली वर्थ स्टेइंग एट अगर आप एक सोलो फीमेल ट्रैवलर हो तो। हेलो, आ गए, हाय बोलो। हाय। देखो हम बचपन के दोस्त हैं। यस। और ये करण जी बहुत अच्छे बनाए, ये मैंने बनाया। हाँ। सो ये होममेड चकली है जो इनकी मम्मी ने बनाई है, राइट? यस। ये एक्चुअली है ना आपको जो शॉप से मिलती है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वेरी क्रिस्पी, वेरी टेस्टी। आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। और ये नेक्स्ट है, क्या नाम है? करण जी। करण जी। सो ओ ये ऐसे टूटता है। हाँ, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ इसको। पकड़ो पकड़ो। बहुत मीठा रहता है वो, ध्यान रखना। ठीक है। बहुत सही है ये। किस चीज का बनता है? गहू। वीट जो है एक्चुअली वीट का बना हुआ है, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी मुझे लग रहा है ये। वीट का जो होता है ना गिल्ले करना, वीट उसको सुखाना, फिर अरे मैं कैसे हुआ हाँ, उसको सुखाना, फिर क्या बोलते उसको ग्राइंड करना पूरा अपना आटा कैसा रहता है वैसा, फिर उसको क्या बोलते भाजना को क्या बोलते घी डाल के, घी डाल के घुलना, फिर उसमें ये शक्कर पीठी शक्कर नहीं डालते वो अलग शक्कर रहता है कम मीठा वाला, खड़ा वो डालना, इलायची डालना और वो क्या बोलते बहुत घी घी डाल डाल के ऐसा ऐसा करना। बहुत ज्यादा टेस्टी है सच्ची बता रहे, मेरे को मजा आ गया एकदम। बॉक्स में हमारे पास और भी चीजें हैं। ये है शंकर पाड़ा। ये भी होममेड है, सब होममेड है, चूड़ा भी होममेड है। वाओ। तो ये है शंकर पाड़ा, ठीक है, इसको आगे देखते हैं। स्वीट भी है, नमकीन भी है और टेस्टी ऑब्वियसली है ही। और थोड़ा सा चूड़ा खा के देखो। ये चूड़ा भी होममेड है। स्नैक्स के बाद हम लोग आ चुके हैं अश्वम बीच।
जो कि हॉस्टल से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे है। बाय द वे, अगर आपको भी शांत बीचेस पसंद है तो आप मोजम साइड पे किसी भी बीच पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, बस कुछ फॉरेनर्स दिखेंगे। अनलाइक बागा बीच जो कि काफ़ी फेमस है एंड उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। अश्वम बीच पे ना आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, कुछ हाई एंड एंड कुछ रीज़नेबल प्राइजेज वाले भी है। आप इनके मेन्यूज़ ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी पे चेक करने के बाद अंदर जा सकते हो, इन केस आप एक बजट ट्रिप पे हो तो। ये जो फिलहाल कैफ़े है ना, इससे पहले मैं दूसरे कैफ़े में गई थी जहाँ पे सिर्फ सूप 600 रुपये का था। सो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए हम आ गए इस कैफ़े में जहाँ पे 2 लोगों का कॉस्ट हमें 800 रुपये पड़ा। यहाँ हमने ऑर्डर किया एक चिकन स्टार्टर जो कि हमें फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व हुआ था, अलॉन्ग विद 2 फ्रेश लाइम सोडाज एंड चिकन पॉट राइस। इस कैफे की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खाने के बाद बैक टू हॉस्टल फॉर सनसेट। तो यहाँ से हम लोग ट्रैवल टेल्स है जहाँ से हम लोग अंदर गए हुए थे एंड ये दूसरा वाला गेट है जहाँ से आपको यहाँ ऊपर टेरेस के ऊपर जाने को मिलेगा। तो अभी ऊपर जाके यहाँ का हम लोग व्यू देखेंगे। वैसे सनसेट का टाइम हो चुका है, सो लेट्स सी व्यू कैसा है ऊपर से। मैं डिनर करने उसी जगह आ गई जहां मैंने ब्रेकफास्ट किया था। मैंने मंगवाया चिकन स्ट्रोगनॉफ एंड फ्रेश लाइम सोडा। टोटल बिल हुआ 350 रुपये जो कि मुझे कम्प्लीटली वर्थ इट लगा। बाय द वे, इसके बाद मैं दोबारा से दोस्तों को कंपनी देने के लिए उनके साथ एक रेस्टोरेंट चली गई जो कि उस दिन का हाईलाइट बन गया। बाय द वे, मैंने गोवा में वाटर स्पोर्ट्स नहीं किए बट बाकी दोस्त गए थे जिन्होंने बहुत सारी क्लिप्स और इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि आपको गोवा सीरीज के 3rd पार्ट में देखने को मिलेगी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड मैं अपने ट्रैवल से रिलेटेड डिटेल्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, सो आप वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है सना खान गीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।